सर आप म्यूट पे हो सर, आप कुछ बोल रहे हो? सर आप म्यूट पर हो। टेस्ट में एक क्वेश्चन सबने गलत किया है, कौन सा वाला? सबने मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ 3 बच्चों ने सही दिया है ना? ठीक है, सिर्फ 3 बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है ना, तो इसमें क्या आंसर होना था? ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट है। क्या है ये? हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट। सबने इसको सोडियम समझ लिया, सबने क्या समझ लिया इसको? सोडियम। ये हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये हाइड्रोजन है एक्साइटेड स्टेट। आगे सुन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम आगे कुदा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो ये बन जाएगा। क्लियर है एवरीवन? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको एक दो और रिएक्शन बैलेंस करनी है, पर हम आज उसका और भी यूज देखेंगे। क्या फायदा था उसका कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा पड़ रही थी, अलग अलग निकाल के फिर करना। ठीक है, करो एक बार। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो उसको।
अरे अभी तो कोई भी एक मेथड पकड़ लो, एक मेथड तो आना चाहिए, ठीक है? पिछले पिछले वाला मेथड आ गया था, है ना? एन फैक्टर कितना आता था इसका पिछले मेथड से, पता? एन फैक्टर कितना आता था इसका पिछले मेथड से? कितना आता था? ठीक है, यहाँ से भी छह आएगा, यहाँ से भी छह आएगा इस मेथड से भी, छह इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले से बताया मुझे आंसर, गलती का स्कोप खत्म हो गया, गलती और भी नहीं करनी चाहिए। आंसर पहले से बताया, छह इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है? स्टेप्स क्या हैं? एटम्स अदर देन ओवर डैश, दो सी आर है, दो लेवल है, बाकी सब सही है। तुम्हें क्यों परेशान हो रही है? ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, एक ही एग्जाम्पल दिया तुमने इस बार से, बस एटम्स अदर देन ओवर डैश, टू से मल्टीप्लाई मारा, सात ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन देखो तो आ गया ना, 7H2, 14H+, करेक्ट करेक्ट, ठीक है? ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको? चार्ज बैलेंस करना है, आंसर तेरे को पहले से बता, 6 आएगा, ये माइनस 2 चार्ज, ये प्लस 14, प्लस 12 आ गया, उधर प्लस 6, तो दिक्कत कहाँ यहाँ पे आएगी? सिर्फ यहाँ पे जो चार्ज देता है, कितने का चेंज आ रहा है? 6 का, पहले से बताया आंसर, इधर लगा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, ताकि 12 माइनस 6 6 हो जाए, कोई बड़ी बात है इसमें? दोनों मेथड्स में एक ही आंसर आना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? एन फैक्टर जो वहां पे पहले निकाल रहे थे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आएगा। ऑलराइट, ठीक है अनुशीला, माइनस वन से जीरो कितने का चेंज आ रहा है? कितने एन फैक्टर आएगा यहाँ पे? इंटू टू कौन करेगा? ठीक है, जैसे हम लोगों ने टू से मल्टीप्लाई किया, दो आएगा। अब इस मेथड से देख लो, ऑक्सीजन बैलेंस है ऑलरेडी, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ एच प्लस लगा दी दो, तो दिक्कत इस मेथड में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत ही नहीं, चार्ज इधर कुछ नहीं है, कुछ उधर प्लस टू टू एच प्लस है, तो दो इलेक्ट्रॉन लगा दी, ठीक है? दिमाग से एकदम निकाल दो, डर कुछ भी नहीं है इसमें, फिर में जरूर करना है, छह से करेंगे, तीन से करते मल्टीप्लाई हो गया, मैंने इधर छह इलेक्ट्रॉन है ना, उधर दो है, कैसी बात कर रहा है? तीन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कट गए इलेक्ट्रॉन्स। ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट किसी को? ठीक है, हर सिमरत मेथड क्लियर है दोनों? इसकी आपको बस पांच पांच छह छह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बैलेंसिंग की स्कूल में ही आना है, बैलेंसिंग अच्छे से करनी है, लेकिन उनके ध्यान से तीसरे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, खत्म हो गया क्वेश्चन।
फोर्टीन एच प्लस फॉर्मूला कितने आ रहे हैं, छह एच प्लस, ये बचेगा कितने बचेंगे, आठ। दिक्कत क्या आ गया, बिल्कुल भी इसमें ऐसे नहीं हो रहा है कि हमें हमसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो और बस प्रैक्टिस करो, स्टेप्स ध्यान रखो। एक और एग्जाम्पल ले लो, इस पे बहुत अच्छा किया देवयानी ने, अच्छा बहुत अच्छा किया है ना, हरसिमरत ने भी अच्छा किया है, जॉन ने भी अच्छा किया है, नव्या ने भी अच्छा किया है, वेरी गुड, कार्तिक जी ने अच्छा किया। पहले एटम्स अदर देन वोल्टेज टिप्स अदर तो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछते रहो साथ साथ, है ना, फिर भी नहीं समझ आता अलग से आ जाओ और जल्दी आ जाओ, 3:30 भी आ जाओ, ठीक है, ठीक है, बाकी मैं फिर तो आगे से मेरा प्रैक्टिस आपको कर लूंगा। एम एल ओ फोर माइनस चल आगे सर,
करेंगे pH to 4H2 8H+ ठीक है। सबसे पहले लेकिन याद रखो एटम्स अदर देन OH, एटम्स अदर देन OH, यहाँ पे मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस का जरूरत नहीं पड़ी। एक क्वेश्चन कितना है उसका इंपैक्ट क्वेश्चन 3 2 2 आ गया ठीक है। चार जो -1 +8 +7 आएगा अगर +2 उधर 5 बहुत बार निकाल चुके हैं इंटरेक्टर 5 आसान सा ठीक है। पहले एटम्स अदर देन OH 2 से मल्टीप्लाई किया और सब बैलेंस हो गया। सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है -2 दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए इसमें करेंगे कार्तिक क्रॉस मल्टीप्लाई बाय इसमें करना पड़ेगा ये अच्छा क्या करना पड़ेगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई बाय तो इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे बेसिक स्टेप क्या रेडॉक्स का इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल होना। बच्चों आपको देख लिया आपने दोनों तरीके ठीक है स्कूल में अगर मेथड स्पेसिफाई कर दिया तो फिर आपको देखना पड़ेगा अलग अलग करना है या वैसे करना है ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से वही तो जाता है जल्दी से चेंज देगा मल्टीप्लाई किया ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5-6 क्वेश्चन इसके मिनिमम सॉल्व करो दोनों मेथड से तब जाके मेथड से आ जाओ। ऑलराइट कोई डाउट इसमें किसी को भी ठीक है क्वेश्चन दोनों मेथड से एक बार क्वेश्चन मेरे बच्चों ऑनलाइन किसी को डाउट ठीक है ना ठीक है ठीक है मतलब आप लोगों को आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक बेसिक मीडियम का मैं जुगाड़ सिखाऊंगा ठीक है। कोई नया नजर नहीं सिखाऊंगा एक जुगाड़ सिखाऊंगा बेसिक मीडियम के लिए ठीक है। मान लिया आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए दिया है बैलेंसिंग बहुत है आपने देख लिया जुगाड़ वाला खेल है H2 लगाए H+ लगाए तो जुगाड़ कर रहे हैं हमें बैलेंसिंग से मतलब है। तो बेसिक मीडियम में मान लिया करना है इसको बैलेंस है ठीक है कोई बात नहीं आप एक बार एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दो फिर मैं जुगाड़ सीखूंगा आपको ठीक है। एक ही मेथड सीखूंगी एसिडिक वाला ठीक है उसी को हम बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। ट्राई करो एक बार ट्राई किया करो आता ही आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो उसको
इसी मेथड से कर दो। हाँ बच्चों आज से ना दोनों मेथड्स में आपको है ना कार्तिक होगा कंफ्यूजन, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है अभी आई नहीं है वो तेजी, कोई बात नहीं। ठीक है अब आज हम इसके बहुत सारे करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़े बड़े एन फैक्टर्स निकालना सिखाऊंगा, तब आपको ये मेथड तो कट जाएगा इलेक्ट्रॉन्स वाला। ठीक है कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से कर देता हूँ जल्दी से तेजी में, 7 से 4 चेंज, 3 का माइनस इलेक्ट्रॉन से भी 3 का चेंज आया होगा, -1 से +5 कितने का चेंज है, 6 का। -1 से +5 ठीक है तूने क्या तुमने निकाला था, अच्छा 1 से 5 नहीं है, -1 से +5 है। ठीक है ये गड़बड़ नहीं करनी है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई काम करना, 2 MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड में फायदा, जरूरी से एक ही स्टेप में रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखता है। ठीक तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 7 ठीक है बच्चों, 8 और 7 क्या करेंगे, H2 इधर H+ इधर खत्म हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। देखो जल्दी ध्यान से बच्चों क्या करेंगे हम, जुगाड़ सीख लो, एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करने का जुगाड़ है बहुत आसान, 2 OH आयन चिपका दो, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है पूरी की पूरी एसिडिक मीडियम में, एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करना है उसको, 2 OH आयन इधर चिपका दो, 2 OH आयन इधर चिपका दो, जितने H+ उतने OH आयन चिपका दो दोनों तरफ। ठीक है जुगाड़ सुन रहे, ये क्या हो गया, 2 पानी
OHN plus 2 OHN क्या बन गया, दो पानी, और वो बन गया बेसिक पीडीएम। ठीक है, तो मैं एक ही बार सिखाता हूँ, कंफ्यूजन हटा ही दिया पूरा। ठीक है, सब आए जो वाटर को क्यों परेशान हो रहा है, दो मेथड को मिक्स करेगा रहे तब से बैठ के यहाँ पे हैं, दो अलग अलग मेथड को मिलाया जा रहा है, बस खिचड़ी पकाया जा रहा है। एसिडिमिटी में बैलेंस हो गया था यहाँ पे, OH प्लस H2 सब कुछ बैलेंस था, देखो एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा मैं, जितने H+ से उतने हुए चिपका दे, जितने इधर चिपकाऊंगा उतने उधर चिपकाऊंगा बैलेंस करने, बस इतना सा करना है, इतना सा करना है, इससे अच्छा जुगाड़ भी नहीं। ये क्या बन गया, टू एच टू बन गया, क्या बन गया ये टू एच टू, समझ आ रहे हो, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया, टू एच टू एच टू एच टू बचेगा एक साइड, समझ आ रहे हैं, इधर टू एच टू उधर एक एच टू, ठीक है बच्चे, इस साइड एक एच टू बचेगा, कोई दिक्कत, आंसर आ गया हमारा, तो मेथड्स को मिक्स मत करो, बस ये आप गलत गड़बड़ करते हो, क्योंकि दिक्कत ये है ना, एक ही मेथड की पूरी प्रैक्टिस नहीं की, घर पे आके तो पढ़ा नहीं हमने, है ना, एक मेथड की पूरी प्रैक्टिस नहीं की, बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। कैसे एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एक मेथड पकड़ लो अच्छे से, उन्हें तो स्कूल जाना नहीं वैसे भी, है ना, तो एक मेथड पकड़ ले कोई, बाकी स्कूल वालों को थोड़ा सा ध्यान से दोनों मेथड का करना पड़ेगा, तो ये डाल देते हैं स्कूल में, इस मेथड से करो उस मेथड की, ठीक है समझ आ गया, नहीं डाला तो ये मेथड ऑब्जर्वेशन नंबर ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तब जाके याद हो जाएगा स्टेप्स। ठीक है जो ऑनलाइन समझ आ गया, हरसिमरत कैसे करते हैं, एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट, हर्षित हर्षित कुछ स्कूल में तो सिर्फ आपके बैलेंसिंग आता है, स्कूल में क्या ना सिर्फ बैलेंस करना, उसकी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है ना, स्टेप्स लिख के स्टेप्स अपने सामने लिख लो, बैलेंस एटम्स अदर देन ओएनएच इस तरह से, ठीक है वो सब आपको बैलेंसिंग करना है। अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की और प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम थोड़े से कॉम्पिटेटिव लेवल पे कुछ एन फैक्टर निकालेंगे, बड़े बड़े थोड़े से एन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है फॉर एग्जांपल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन वन एटम, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन वन एटम, ये मेनो फोर, मेनो फोर माइनस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फेरस ऑक्सीलेट को, फेरस ऑक्सीलेट थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना है, C2O4 पे माइनस टू चार्ज था, कितना चार्ज था हमने किया था माइनस टू, क्या था सबको Fe पे कितना हो जाएगा प्लस टू, फेरस है वैसे भी आपको पता है फेरस है तो क्या हो जाएगा प्लस टू, जो Ke4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा जो उसके सामने आएगा, आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस टू से प्लस थ्री में, समझते हो सर, कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस थ्री से प्लस फोर में, अभी ऑक्सीडेट आई थी आपने रिएक्शन बैलेंस किया, याद भी रखो CO2 में कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा CO2, ठीक
क्या हो रहा है इसमें, एक से ज्यादा बंधों का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस टू से प्लस थ्री में कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों काम कौन कर रहा है, K-4। ठीक है, जब हम इसका इफेक्ट निकालेंगे अभी हम क्या करते थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे दो दो बनते हैं ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सब कुछ क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे एनर्जी का, दो से तीन कितने का चेंज है, एक का, एटम्स कितने आयरन का, वन, प्लस तीन से चार, क्वेश्चन तीन से चार चेंज कितने का है, वन का, एटम्स कितने हैं, दो, टोटल इन्फेक्टर तीन आ जाएगा, पैरासोजरेट का, पैरासोजरेट का इन्फेक्टर कितना आ जाएगा, तीन, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत ये बच्चों ऑनलाइन, तो एक से ज्यादा बंदों का चेंज होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे इन्फेक्टर के ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है, समझ में आएगा, पैरासोजरेट देखो उसको मैं आयन इलेक्ट्रॉन से कैसे करूंगा, आयन इलेक्ट्रॉन में मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री है प्लस टू, मुझे कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप्स क्या है, पहले एटम्स अदर देन OH, ठीक है, आयरन बैलेंस है, कार्बन कुशल, दो कार्बन है उधर, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, अब क्या करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, चार और जो कितने चार बैलेंस है ऑलरेडी, ऑक्सीजन ऑलरेडी, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, चार्ज कितना है इधर, जीरो बचेगा उधर, कितना चार्ज है, प्लस थ्री, क्या करूंगा मैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स लगा दूंगा, अभी निकाला है फैक्टर, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स आ गए, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, ये एक हाफ हो गया, दूसरा हाफ Mn4 माइनस Mn प्लस टू, उसको बैलेंस करेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना है बड़े क्वेश्चंस के लिए, फिर वही करना है हमने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई मार, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक, लिख लो, एक से ज्यादा एटम्स होंगे तो हमने क्या करना है, बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर देंगे, अब हम इसके कुछ कम से कम 6-7 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये रट जाए, आयन इलेक्ट्रॉन में आपकी मर्जी है, जिससे आपको करना हो करो, इलेक्ट्रॉन लगाते वक्त हमें कौन सा चार्ज देखना है जो दिख रहा है, दो मेथड्स को मिक्स मत कर, CO2 लगाते हुए ना इलेक्ट्रॉन्स लगाते हुए हमें कौन सा चार्ज देखना है जो दिख रहा है, और n फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालते हैं हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वो चार्ज दिखता है, प्लस फोर दिख रहा है मेरे को, तो निकाला है ना, तो हमारा डिफरेंस ये मिक्स मत कर, ये एक हाफ हो गया, एक हाफ, दो हाफ होते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ठीक है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, ये अलग हाफ है, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये अलग हाफ, ठीक, अब हम आधी आधी रिएक्शंस को बस बैलेंस करना सीखेंगे, तो आप बच्चों दोनों तरीके से निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स से भी निकालोगे, फिर इस वाले मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है, इसका इफेक्ट निकालना है आपको, पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से,
एंड इलेक्ट्रॉन मेथड वीडियो भी हमने सीखा, पहले एटम्स अदर देन OH, फिर ऑक्सीजन बाय H2O, हाइड्रोजन बाय H+, और फिर चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स चार्ज से। गलती पॉइंट करनी है, दोनों तरह से करना है, दोनों तरह से ठीक है। पहले एटम्स अदर देन OH, टू टू ठीक है, फिर क्या करना है ऑक्सीजन H2O से, दो ऑक्सीजन है जो H2O लगा दिया, चार H2O, दो चार H+। इसमें बच्चों ये वाला स्टेप सबसे मुझे पता है गड़बड़ होती है ठीक है, दो C+ कभी नहीं करनी बिल्कुल, सारा खेल ही सही है। अगर आप बचना चाहते हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के से, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा ध्यान से, 2 Cl+ 4 + 8 चार्ज, और इधर कितना है 0, क्लियर है एवरीवन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, वन फैक्टर इसमें 8 आएगा। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस में कैसे करना है, तेजी में यहाँ पे कॉपर का प्लस वन है, सल्फर में माइनस टू होगा, कॉपर का प्लस वन, प्लस वन से प्लस टू, चेंज कितने का बनेगा वन का इनटू नंबर ऑफ एटम्स टू, सल्फर माइनस टू से प्लस फोर, क्वेश्चन छह का चेंज है, माइनस टू से प्लस फोर कितने का चेंज है, छह का, कितना आ गया इनफैक्टर 8। समझ में आया दोनों मेथड से, ऑनलाइन बच्चों किसी को डाउट किसी स्टेप में, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाफ रिएक्शन बैलेंस खत्म, थोड़ी सी बड़े एग्जाम्पल से ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम करेंगे वहां पर यूज होंगे, तो फेरस ऑक्सीडेट हो गया कि उसका इन्फेक्टर 3 आ गया, तो ये हो गया उसका इन्फेक्टर 8 आ गया, फिर
आज ही आपको एक स्कूल लेवल पे शीट दे दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, है ना। पांच पांच क्वेश्चन दोनों मेथड से प्रैक्टिस करना है, बस काम करना, ठीक है। अच्छा दोनों मेथड बढ़ गए, क्लियर है, ठीक है। अभी मेथड आपको रट जाएगा हैंड लेक्चर वाला, क्योंकि अभी उसके और सारा खेल किसका प्रैक्टिस है। हाँ क्वेश्चंस में नहीं देख, जो लोग ना अच्छे लेवल पे अगर हमें एग्जाम्स की कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट नहीं आना, वहाँ पे टाइम थोड़ी ना लगा, क्या लगा उन्होंने वहाँ पे प्लस टू से +3 मान, वहाँ पे मैं पूरा लिख के थोड़ी ना करूँगा। तो बता मेरे को कौन सा, वहां पे तो छोटे से छोटा मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड है चेंज वन का। वो तो कुछ अच्छे क्वेश्चन में जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया नहीं लगेगा, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया नहीं लगेगा, उस केस में हमें ये मेथड हेल्प करेगा। -2 से +6, सल्फर यहाँ पे +6 में आठ का चेंज, और आप लोगों ने वैसे भी निकाल लिया 8, ठीक है, सॉरी 9, क्लियर है, समझ आ रहे कैसे निकाला। आयरन सल्फर बैलेंस है, सबसे पहले आयरन सल्फर में वो एंड एच, फिर चार ऑक्सीजन है तो चार एच को चिपका दिए, और उधर 8H+, क्या बड़ी बात है, सुना ऑक्सीजन के लिए H2 चिपकाने, हाइड्रोजन के लिए H+ चिपकाना, काम करना, ठीक है। उससे पहले एटम्स अदर देन ONH को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है, क्या बड़ी बात है, ठीक है। बस लास्ट है चार्ज को ध्यान से देखना, कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो नहीं है, वो ध्यान से देखना, ठीक है। P -2 +8 +9 आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर, क्लियर है शो। अब थोड़े से और बड़े एग्जाम्पल्स, सबसे पहले एटम्स अदर देन ओ एंड एच को बैलेंस, याद रखो सबसे पहले बैलेंस एटम्स अदर देन ओ एंड एच, +5 स्टेप्स वही है, लेकिन
जो ऑनलाइन आंसर आ रहा है सबका, ऑनलाइन वाले बच्चे और शांत हो गए। ठीक है, दिव्यानी सर आ गया। मेथड टू, पहले एटम्स अदर देन ओल्ड एज, ऐसे याद होंगे प्रैक्टिस करके। टू थ्री सल्फर को बैलेंस किया, ठीक है, इधर कोई चार्ज नहीं जो दिख रहा हूँ, इधर दिख रहा हूँ तो ठीक है। ये प्लस 10 टू 5 10 क्लियर। 28 इलेक्ट्रॉन, कितने? 28 इलेक्ट्रॉन। दूसरे मेथड से भी करना जरूरी है, दूसरे मेथड से प्लस थ्री माइनस टू से जा रहा है 6 में, 8 का चेंज है, 8 × 3 = 24 चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तीन से जा रहा है 5 में, 2 का चेंज है × 2 आ गया 28। वही मैंने बोला, अब आपको धीरे धीरे ये वाला मेथड लगेगा कि चलो इस मेथड से कर लेते हैं, जब बड़े बड़े एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट और बड़ा आएगा आंसर, है ना?
अच्छा सर ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, बस इतना सा फर्क है स्कूल में अपने वाले के फुल के से मिलेंगे मैम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होगा, आराम से जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ठीक है वहाँ से ही फर्क होता है बस। ठीक है वंशिका, आगे नहीं यार, एक बार फंस गए तो फंस गए, फिर उसमें फिर वो इतना कैलकुलेशन खिचड़ी हो जाती है कैलकुलेट। अगर फंस गए तो फंस गए ना बोला। ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे, काटते हैं एटम्स अदर देन ओ एच, वो दोनों ने किया है चलो एक पर दे रहा है ना। ठीक है ऑनलाइन बच्चों आंसर आगे सबका 61 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 61 इनफैक्ट। ठीक है 4K प्लस Fe प्लस 3, 6 टू 12, 6 से 18, 30, 30 ऑप्शनल है। ठीक है KMnO4 हमारे K4 Fe Cl6 ये आदत कर देता है, सबको ऑक्सीडाइज मार देता है KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब चीजें आप 12th में ही पढ़ोगे, डी ब्लॉक वगैरह के रिएक्शंस KMnO4 एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट आता है वहां पे। ठीक है सबको ऑक्सीडाइज मार देता है, ये हालत कर देता है हमारे के फोर एफ सी सिक्स के, सबको ऑक्सीडाइज मार दिया। समझ आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं करना प्लस फोर प्लस, ठीक है 61 आ जाएगा, प्लस फोर प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस 16। एनी डाउट, इधर कोई चार्ज नहीं, उधर 61 चार्ज आ रहा है तो 61। ठीक है बच्चों समझ आ गई बात, ये सिर्फ इसलिए बात कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की ना, अब तो नहीं लगेगा ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। ठीक है प्रैक्टिस दोनों भी करनी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की भी पांच पांच क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सभी जाके मेथड याद होगा और स्कूल में बस वही आएगा सिर्फ बैलेंसिंग। क्लियर एवरीवन, ठीक है बच्चों ऑनलाइन बोल रहा है बता रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट आउट अर्नब आदित्य अनन्या, एनी डाउट ठीक तो रिडॉक्स में जो स्कूल में आएगा बैलेंसिंग, और फिर एग्जाम्स में इसके कुछ थोड़ा सा एप्लीकेशन हम देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे क्या करना है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन रेडॉक्स फाइट्रेशंस, तो टाइट्रेशंस वर्ड आपने सुना होगा स्कूल में, हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस भी करते हैं एसिड बेस्ड। टाइट्रेशन सिर्फ इतना सा बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, करते क्या है टाइट्रेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट है ना, नीचे एसिड पड़ा हुआ है ऊपर से हमने बेस गिराया धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप,
जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन को कंप्लीट होने का इंडिकेशन कौन करता है, इंडिकेटर्स, कौन करते हैं इंडिकेटर्स, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोफ्थलीन पिंक कलर का कलर देता है, ठीक है, ये सब माइनिंग के क्लोब्रे में भी पढ़ेंगे बाद में। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं रिएक्शन कब कंप्लीट होगी ना, रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाती है, जब इक्विवेलेंस बराबर हो, जब इक्वल हो गया, बेसिकली इस तरह से एसिड बेस इक्वल हो गया, न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन, कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर चेंज, ठीक है, उससे हम कुछ चीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल में चेंज नहीं होता, न्यूट्रल हो गया, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डलते ही, ठीक है, हम ऊपर से गिरा रहे हैं, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होता, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डलते ही कलर चेंज होता, एसिडिक से बेसिक हो गया मीडियम, जब मीडियम चेंज हो गया, पहले नीचे एसिड पड़ा हुआ था, डालते गए बेस डालते गए, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल से एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डलते ही अब मीडियम कैसा हो गया, बेसिक हो गया, समझ आ रहा है, अब कलर चेंज हो गया, रेडॉक्स में इक्वल होते ही हो जाता है, रेडॉक्स में क्या होता है, नीचे K1O4 पड़ा हुआ है, मान लिया एसिडिक मीडियम में K1O4 का पर्पल कलर होता है, क्या कलर होता है, पर्पल, ठीक है, ठीक है, ऊपर से मैंने Fe+2 डाला, रिएक्शन होगी इनकी रेडॉक्स, ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे K1O4 खत्म होगा पर्पल कलर गायब, पर्पल कलर गायब, इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं, खुद ही इंडिकेटर है, ये खुद ही इंडिकेटर है आपको, तो इनका खुद का कलर कलर होगा पर्पल, जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई कलर गायब, कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, है ना, मुझे इंडिकेशन मिल गया रिएक्शन कंप्लीट, कब होती है रिएक्शन कंप्लीट, जब इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाते हैं, क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स इक्वल, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या जो मोल कॉन्सेप्ट हम जब करते थे याद है, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती थी, बैलेंस रिएक्शन, कितने मोल के साथ कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती थी, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत मस्त जुगाड़ वाला मेथड है, इसमें बैलेंस रिएक्शन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं, ठीक, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, अभी आपने देखा K1O4 पांच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा था, कितने का कर रहा था, पांच बार, और उधर Fe+2 कितने का कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन, ये अकेला पांच के बराबर है, अकेला कितने के बराबर है, पांच, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट होना, दो बंदों की लड़ाई लड़ा दी, पतला सा एक मोटा सा है, मैं बोलूंगा मोटे वाला जो है दो के बराबर है, कितने के बराबर है, दो के बराबर, समझ रहे हो, मैंने ये देख के बताया कि एक तो पांच के बराबर है, इतनी सी बात है, मैं जितने इसके मोल चाहिए उसको, जितने इसके मोल चाहिए उसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फाइव से, फाइव क्या है इसका, एन फैक्टर, क्या है इसका, एन फैक्टर, समझ में आ रहा है सबको, ठीक, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का सबसे आसान तरीका नई चीज इंट्रोड्यूस कर दें, मोल्स गए मोल्स के दिन वो बात होगी पुरानी, उसके लिए हमें बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, बैलेंस ग्रुप को, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना, पहले रेडॉक्स बैलेंस करेंगे, अगर टाइम को वही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन हल जल्दी हो सकता है, आना चाहिए यूज कर, धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम सबको सीखेंगे, पहले हम इससे सीखो, क्लियर एवरीवन, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, बस मैं अभी और एन फैक्टर निकालना है रेडॉक्स के लिए उसको सीख चुका हूँ,
क्वेश्चन है कि डेटा सुधारने को एक बार मैं सिखाऊंगा पहले, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। उतना 100 mmol मोलारिटी है, छोटे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर इक्विवेलेंस इक्वेट होगा। इक्विवेलेंस ऑफ KNO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 या फिर Fe+2। FeSO4 में आपको पता है काम का कौन है, सिर्फ रेडॉक्स को कौन पार्टिसिपेट करता है, Fe SO4 तो करता है, SO4 माइनस सल्फर ऑक्साइड प्लस 6 में KNO4 उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, सिर्फ उसको करेगा आयरन। समझ आ रही है? मोल्स ऑफ KNO4 इनटू एन फैक्टर ऑफ KNO4 कितना है? 5। एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। मोल्स ऑफ KNO4 इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। एसिडिक मीडियम में मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद रखो +7 से +2 में जाता है, किस तरह से +7 से +2 हो सकता है, ये वरुण याद भी रखना पड़ सकता है। कितना एन फैक्टर आ गया? 5। +2 से किस में जाएगा? +3 में। और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता नहीं है, मिस ऑक्सीडाइज हो गया, कितने एन फैक्टर? 1। क्लियर है सब कुछ? ये करना है, एक बंदे के इक्विवेलेंट्स बराबर दूसरे बंदे के इक्विवेलेंट्स। एक इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। एक मोल्स क्या होते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, याद है सबको, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स यू मोल्स। ये नहीं याद है, मोलारिटी होता था मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बहुत सी तारीख पर बंद कर रहा है, कोई दूसरा समझ आ गया? मोलारिटी 0.1, वॉल्यूम 100 है, सिंपल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe+2, एक्स मोलर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो भाई हो गया सवाल, आई विल एक्सप्लेन हमारा क्या किया। इक्विवेलेंट इक्वेट करते हैं बस, इतना सा काम है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसके बेसिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तरीका ये है इक्विवेलेंट इक्वेट करना। समझ आ रहा है? इसके लिए हम इक्वेशन थोड़ी ना बैलेंस करेंगे, हम क्या करेंगे तेजी में एन फैक्टर निकालेंगे दोनों का, इक्विवेलेंट इक्वेट मार। ऑनलाइन में तो समझ में आ गया सबको, कोई डाउट? चलिए चलिए
ये करते हैं पाइट्रेशन में भी ये करना होता है। ये मतलब एक बंदे का कंसेंट्रेशन में नहीं पता होता, एक बार करना होता है, ठीक है। मान लिया नीचे वाले का पता है मुझे, ठीक है, कितना है ये पॉइंट वन वन हंड्रेड एम एल ये नोटबुक पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छे से जा रहे हैं। नीचे वाले को मुझे नहीं पता है कंसेंट्रेशन, ऊपर से मैं एफ ई एस ओ कोड आना, इसका कंसेंट्रेशन मुझे नहीं पता, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कंसेंट्रेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाऊंगा, देखूंगा कितने वॉल्यूम से ये कलर इसका खत्म हो गया, कितना वॉल्यूम डालने से कलर खत्म हो गया। मान लिया 200 ml से खत्म हो गया, सरकार स्कूल में करते ही ये सब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अभी स्कूल लेवल पे तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, टाइट्रेशन बोलते हैं, समझ आ गया। ये सब क्या करना है, कंसेंट्रेशन निकालनी है बस, की दिस मेथड इज कॉल्ड टाइट्रेशन, हैवी सा नाम लिया स्टार मारने के लिए, केवल टाइट्रेशन करके आ रहे हैं, जिसकी कंसेंट्रेशन नहीं होता उसकी कंसेंट्रेशन बता रहा है, ठीक है। इस चीज को प्यार से टाइट्रेशन बोलते हैं, देखना था बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस करोगे तीन साल ऑफलाइन वालों के यहाँ पे चेक करेंगे, ऑनलाइन वालों से पीडीएफ मंगवाएंगे। कितना आया था? 3 और सर कितना है? और एफ सी टू पर बैन फैक्टर कितना होता है बच्चों? 3। अतः 100 पोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बैन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इनटू बैन फैक्टर पता ही है, तो सिंपल है ना, ठीक है।
एक लाइन में आंसर आता है। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा देख के फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने चैप्टर बढ़ेंगे अपना ऑर्गेनिक। ठीक है, ये ऑनलाइन को दिक्कत परेशानी बता दो यार जाते आते तो। चलो बाय एवरीवन।